स्टूडेंट, सो डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस की बात करते हैं. दैट एवरीबॉडी नोज कि डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल स्टेज एंड एम्ब्रियोनल स्टेज में डेवलपमेंट होती है एंड आफ्टर द डेवलपमेंट द टेस्टिस आर पास्ड आउट टू द स्क्रॉटम. And this process is known as descending of testis. Now, descending of testis एक process है जो development के बाद होता है, ठीक है? उस process में हमारे जो embryonal stage में, male embryonal stage में जो testis present होते हैं abdominal cavity में, वो abdominal cavity से बाहर आके scrotal cavity में आ जाते हैं, ठीक है? This process is known as descending of testis. Thus, the development of testis is development is intra-abdominal, but the position is extra-abdominal. Development of the testis takes place inside the abdomen in the embryonal stage, and तभी वो बाहर आ जाते हैं. बाहर आना आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Descending of testis. Now gubernaculum. Gubernaculum is a tissue. Basically क्या है? एक टिश्यू है जो क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है टू द स्क्रॉटल वॉल, जिसकी वजह से जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम से जुड़े रहते हैं, ठीक है? दैट इज एन एडहेसिव टिश्यू जो स्क्रॉटल वॉल से टेस्टिकल को बेसिकली एडहेसिव एडहेर होने में हेल्प करते हैं. आफ्टर द टेस्टिस आर फुली डेवलप्ड एंड डिसेंडेड टू द स्क्रॉटम, अ टिश्यू अटैचेस इट टू द स्क्रॉटल वॉल. दिस टिश्यू इज द ग्यूबरनैक्युलम. दिस टिश्यू प्रोवाइड्स एज एन एडहेसिव टू द टेस्टिकल. नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम वेरी क्लियरली. These are the testes, and this is the gubernaculum. जब ये test descend होके inguinal canal से scrotal wall में पहुंच रहे हैं, तो ये जो gubernaculum है basically it is helping the testes to attach to the gubernaculum. Now, structure of the testis. Each testis is surrounded by a thick fibrous layer known as tunica albuginea. Outer to the tunica albuginea is tunica vaginalis. There are two layers which are surrounding the testis, the tunica albuginea, the innermost, and outer to the tunica albuginea is the tunica vaginalis. Spermatic cord is a cord where many ducts come and leave in and out of the testis. Basically, ऐसी cord शुरू होती है जिसमें से सारी testicular vessels आनी शुरू होती हैं. Okay, now डिवेलपमेंट अगर इंट्रा एबडोमिनल थी तो इंट्रा एबडोमिनल डिवेलपमेंट के बाद जो टेस्टिस है उसको बाहर एबडोमिन के बाहर जाने की क्या जरूरत होगी? फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस देयर इज अ नीड ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है? जनरली जो स्पर्म्स हैं वो डिवेलप एट 2 डिग्री लो टेम्परेचर टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस. इट इज 98 डिग्री फॉरेनहाइट. ओके, तो 2 डिग्री सेल्सियस बेसिकली टेम्परेचर लो चाहिए होता है. एंड डार्टस मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो कि स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती हैं. एंड ये डार्टस मसल्स स्मूथ मसल्स होती हैं. स्मूथ मसल्स का मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो ये लो टेम्परेचर, ये बॉडी से कंपेरेटिव 2 डिग्री लो टेम्परेचर टेस्टिस में प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट the testis, the temperature of testis is lower, जिसकी वजह से वो कूल वाली फीलिंग
कोल्ड वाली फीलिंग बेसिकली आती है इन द टेस्टिस. नाउ एपिडिडमिस इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस. जो टेस्टिस की पोस्टीरियर साइड है उधर वाली साइड पे एपिडिडमिस प्रेजेंट होता है. ओके, ट्यूनिका एल्बुजिनिया द फाइबरस कवरिंग अंडरगो सेवरल इनफोल्डिंग फॉर्मिंग द टेस्टिकुलर सेप्टा. टेस्टिकुलर सेप्टा क्या होता है? एक लेयर होता है टेस्टिकुलर, जिसकी वजह से यस ऑफ कोर्स ये टेस्टिकुलर लेयर जो होती है that is the septa that is dividing the testi the categories of the area of the testis into many areas and many different areas and septa basically ek wall hoti hai, ek division hoti hai. And ye banti kaise hai? Banti kiski help se hai? We have seen ki tunica albuginea and tunica vaginalis jo innermost hai wo tunica albuginea. Albuginea ke baad vaginalis ek aur layer hoti hai. Tunica albuginea bahut sari अंडरगो करती है इनवेजिनेशन, जिसकी वजह से वो ये कर पाते हैं, ये सेप्टा फॉर्मेशन कर पाते हैं. द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स अंडरगो सेवरल जॉइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म अ बिग टिब्यूल नोन एज रेटेड टेस्टिस. ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आगे जाके बहुत सारी जॉइनिंग्स करती है एंड एक डक्ट बनाती है जिसको हम बोलते हैं रेटेड टेस्टिस. रेटेड टेस्टिस ओपन अप इनटू फर्दर स्मॉलर टिब्यूल्स जिसको हम बोलते हैं वासा इफरेंशिया. एंड ये वासा इफरेंशिया जो है वो एपिडिडमिस में ओपन अप होती है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू. ट्यूनिका ये क्या है हमारा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद क्या होती है? ट्यूनिका वेजिनेलिस. ट्यूनिका एल्बुजिनिया सेप्टा बना लिया. सेप्टा की वजह से ये जो बहुत सारे एरियाज डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड जिससे सारी वेसल्स जो है स्पर्म वेसल्स अराइज हो रही हैं एंड बाहर जा रही हैं. दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो वो मिलके क्या बना रही हैं? रेटेड टेस्टिस बना रही हैं. रेटेड टेस्टिस फर्दर किस में जा रही हैं? एपिडिडमिस में ओपन होके वासा इफरेंशिया फॉर्म कर रही हैं. I'm sorry about the clarity of the picture. The picture is not very clear, I mean, but it is enough readable, है ना? तो देखो, ये है हमारा septa. Septa के अंदर जो है, these are the seminiferous tubules. Seminiferous tubules rete testis बना रही हैं. Rete testis के बाद हमारे पास रेटेटेस्टिस के बाद हमारे पास वासा इफरेंशिया आ रही है. वासा इफरेंशिया के बाद हमारे पास एपिडिडमिस आ रही है. एपिडिडमिस के बाद हमारे पास क्या आ रही है? वासा डिफरेंशिया. ठीक है, एंड अल्टीमेटली दिस इज द पाथवे ऑफ द स्पर्म्स जो बाहर जा रहे हैं. नाउ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टिस. व्हेन वी कट अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कट. ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर लाइंड बाय जर्माइनल एपिथेलियम. जब हम टेस्टिस को ट्रांसवर्सली काटते हैं तो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आती हैं बहुत सारी. दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय जर्माइनल एपिथेलियम. मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन द जर्माइनल एपिथेलियम. द क्यूबॉइडल सेल्स दे अंडरगो मियोसिस एंड द कॉनिकल सेल्स दीज आर ऑल्सो नोन एज द नर्व सेल एज दे प्रोवाइड द नरिशमेंट. ठीक है, जर्माइनल एपिथेलियम में दो टाइप के सेल होते हैं, क्यूबॉइडल सेल. क्यूबॉइडल सेल आर द स्पर्म मदर सेल्स जो मियोसिस करने के बाद स्पर्म्स फॉर्मेशन करेंगे या जो सेल्स अंडरगो करेंगे मियोसिस. कॉनिकल सेल्स क्या होते हैं? नर्स सेल होते हैं. नर्स का काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना. ठीक है, इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द स्पर्म्स. नाउ सम सेल लाइज एज इंटरस्टीशियल सेल्स एंड दे आर नोन एज द लेडिक सेल्स. लेडिक सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा.
यहाँ पे सी ये जो है ये दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको डेवलपिंग स्पर्म्स भी दिख जाएंगे. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या होता है, जर्माइनल एपिथेलियम होता है. ये डेवलपिंग स्पर्म्स है जो दीज आर बेसिकली द क्यूबॉइडल सेल्स. क्यूबॉइडल सेल्स जो मियोसिस करते हैं. एंड ये वाले जो सेल्स है दीज आर द नर्स सेल और द सर्टोली सेल्स जो क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग स्पर्म्स. ओके, यहाँ पे हमें हमारे पास क्या है, लेडिक सेल्स. सी दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल. ये किसी भी मैनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं है. ये सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन. क्यूबॉइडल सेल्स अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ कोर्स, इसलिए इनका नाम जर्माइनल सेल्स भी है, क्योंकि ये जर्म सेल्स होते हैं, ये गैमेट्स बनाते हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जर्माइनल सेल्स. सर्टोली सेल्स है नर्स सेल का दूसरा नाम. इनका काम क्या होता है, प्रोवाइड करना नरिशमेंट. इनको पिरामिडल या कोनिकल शेप की वजह से कोनिकल सेल्स ही बोला जाता है. तो टेस्टिस का दो काम हो गया ब्रीफ में अगर हम देखें. पहली बात तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस किसकी हेल्प से हो रही है, पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हेल्प से. सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. जर्माइनल सेल्स आर द मेन सेल्स, दे आर अंडरगोइंग मियोसिस एंड प्रोड्यूसिंग द स्पर्म. एंड लेडिक सेल्स का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना. टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, मेल जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं किसी भी मेल जेंडर में वो आते हैं. ठीक है, testosterone is the hormone that is secreted by testis by the Leydig cell of the testis and they are responsible for providing the secondary sexual characters to a male. Now vasa efferentia ke baad kya aa jata hai, epididymis aa jata hai. Humne dekha pehle seminiferous tubules hote hain, seminiferous tubules se rete testis bante hain, rete testis se vasa efferentia banta hai. Vasa efferentia finally kya kar deta hai, epididymis se aa jata hai. And epididymis ka कितने पार्ट्स होते हैं, एपिडिडिमस के थ्री पार्ट्स होते हैं, द हेड, द बॉडी एंड द टेल. ठीक है, हेड को हम कैपेट बोलते हैं, कैपेट पार्ट ऑफ द एपिडिडिमस, कॉर्पस पार्ट ऑफ द एपिडिडिमस एंड इवेंचुअली कॉडा पार्ट ऑफ द एपिडिडिमस. इनसाइड द एपिडिडिमस द स्पर्म्स अटेन फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी. एपिडिडिमस के अंदर रह के देखो स्पर्म्स तो फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन होगी, लेकिन अभी भी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी उनमें आनी बाकी है. उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो एपिडिडिमस में थोड़ी देर के लिए स्पर्म्स रहते हैं अबाउट 18 टू 20 आवर्स तक. ठीक है, 18 टू 20 आवर्स तक स्पर्म्स वहां पे रह के मैच्योर होते हैं. मैच्योर होने के बाद फिर वो आगे जाते हैं. यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ द एपिडिडिमस. एपिडिडिमस में वी आर हैविंग द थ्री पार्ट्स. ओके, सी दिस इज द हेड ऑफ द एपिडिडिमस. This is the body of the epididymis and this is the tail of the epididymis. Epididymis ke baad humare paas ye vasa differentia, vasa deferens ya vas deferens jo duct hai wo bahar nikalni shuru ho jayegi. Theek hai, ab aap dobara se revise kar sakte ho. These are the septa. Ye jo septa hai ye kiski help se form hue hain, ye septa form hue hain tunica albuginea ki invagination se. Theek hai, these are the seminiferous tubules. These are the rete testes. These rete testes are going into the vasa efferentia. Vasa efferentia is going into the epididymis. Epididymis ke three parts hain. This is the head part, this is the body part, and this is the tail part. Okay, uske baad hamari kya shuru ho jati hai? This is the vas deferens. Okay. Now let us talk something about vasa deferentia. Epididymis is connected to a duct which ascends into the abdominal cavity. Ascends का मतलब है जा रही है abdominal cavity की तरफ से. देखो scrotum क्या है? Scrotum is below the penis. ठीक है? Sperms को अगर penis की तरफ जाना है तो उसको abdominal cavity से होके जाना पड़ेगा. तो path of the sperm is also very important for you. But let us first understand what is this. Epididymis is connected to a duct which ascends to the abdominal cavity through the inguinal canal. Inguinal canal आपको पता है scrotum और abdominal cavity तो को connect करता है, तो इससे pass होके जाना पड़ता है. This duct is the vasa deferentia or vas deferens.
It ascends up to the urinary bladder and meets the urinogenital duct at the base of the urinary bladder. ये पहले urinary bladder तक जाती है, उसके बाद urinogenital duct है जो जिससे urine as well as genital material जो sperms है वो pass होते हैं. इसीलिए इसको urinogenital duct बोला जाता है, क्योंकि penis is the part of is the organ of the body of males जिसमें से urine भी pass होता है और जिसमें से sperms भी pass होते हैं. Sperms produce कहाँ पे हो रहे हैं? Testes में हो रहे हैं. ठीक है, प्रोडक्शन का आपने सारा स्पर्मेटोजेनेसिस का गैमेटोजेनेसिस में डिटेल में पढ़ने वाले हो. आपने अभी उसके बॉडी पार्ट्स को पढ़ लिया है कि कौन कौन से सेल का क्या क्या काम है, तो कैसे कैसे वो होता है वो आप गैमेटोजेनेसिस में डिटेल में पढ़ लोगे. बट डिड यू गेट दिस कि एपिडिडमिस के बाद, एपिडिडमिस में 18 से 20 घंटे मैच्योर होने के बाद जो स्पर्म्स हैं वो जा रहे हैं वास डिफरेंस में. नाउ वास डिफरेंस हैज अ स्वेल्ड पार्ट known as ampulla, ampulla which connects the seminal vesicles through ejaculatory duct. Ampulla is connected to the seminal vesicles through the ejaculatory duct. ये जो three ducts हैं यहाँ पे meet कर रही हैं. Prostate gland is present as the donut shaped gland in the base of urinary bladder. अब देखो, हमने accessory glands, हमने क्या पढ़ा था कि male reproductive system में हम main part पढ़ने वाले हैं. main gland जो है हमारा सेक्स ऑर्गन, दैट इज द टेस्टिस. उसके बाद हम उसके एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ने वाले हैं, एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ लिए एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स भी पढ़ने वाले हैं एंड देन फाइनली द पेनिस. ठीक है, ओके. देखो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार पाथवे ऑफ वासा डिफरेंशिया कैसे ट्रेवल कर रहा है अप टू द पेनिस. टेस्टिकल से वासा डिफरेंशिया घूम के ब्लैडर की तरफ आ गया. यहाँ पे हमारा सेमाइनल वेसिकल, ये क्या है, ये भी एक ग्लैंड है एंड दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन डोनट शेप. ये डोनट की तरह यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू द यूरिनोजेनाइटल डक्ट. ओके, यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरफ ये मूव कर रहा है. Now can you see यहाँ पे point of attachment है और ये वाली जो duct है इसको हम बोल रहे हैं urinogenital duct basically, है ना. ये सारी हमारी urinogenital duct है जो passage of the sperms में help करती है, जो urine भी लेके जाती है, जो sperms भी लेके जाती है. अब हमारे सारे parts हो चुके हैं except the penis. Now let us come to the main copulatory, main male reproductive system का जो organ है that is penis. It is highly vascular. Highly vascular का मतलब इसको properly, पूरे properly blood circulation provide किया जाता है. Copulatory organ means it is helping in copulation. ये sperms को send करने में help करता है into the female genital system. It is a tubular structure, tube-like structure होता है and इसकी apex पे एक swelling होती है. इस swelling का नाम क्या होता है? Glans penis, and it is very important question that what is glans penis. Glans penis is the apical part of the penis that is having the swelling. Foreskin or prepuce is the skin folding which covers the penis. Glans penis के ऊपर एक skin होती है जिसका नाम होता है foreskin और इसका second नाम होता है prepuce. This is also very important that what is prepuce or what is foreskin and ये क्या काम करती है, like that. At the apex of penis there is a slit-like aperture known as urinogenital opening. पेनिस के एपेक्स पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग बोलते हैं. ओके, यू कैन सी दिस इज पेनिस, दिस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट इज गोइंग, दिस इज द सेमाइनल वेसिकल्स, दिस इज अ डोनर शेप्ड ग्लैंड बेसिकली व्हिच इज गोइंग. नाउ लेट अस रीड अबाउट द टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस. ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस में आपको साथ ही साथ में पढ़ना पड़ेगा जो भी डायग्राम में पीछे गिवन है. देयर आर टू इरेक्टाइल टिश्यूज. ये इरेक्टाइल टिश्यूज क्या करते हैं, पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करते हैं, दैट फर्दर हेल्प इन द पॉपुलेशन. ठीक है, टू इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, टू टिश्यू बैंड होते हैं जिसका नाम होता है कॉर्पोरा कैवेरोसा.
two tissue band of corpora cavernosa. At the anterior side of corpora, spongium is present. Posteriorly side पे corpora cavernosa present होता है. इसके दो bands होते हैं. This is corpora cavernosa. This is corpus cavernosa. ठीक है? ये दो bands हैं. First band and the second band. This is the corpus spongium. And जो urethral opening है, urinogenital opening है, that is present in the corpus spongiosum. You can see that. ठीक है? Now the function of the gland. There are three accessory ducts which are responsible to pour their secretion and compose the semen. First of all, pair of seminal vesicles. Next is the prostate gland and next is the pair of Cowper's gland. देखो, sperms क्या होते हैं? 10% होते हैं and 90% जो होते हैं, बाकी secretions होती हैं. ये क्यों होती है? So that जो sperms produce हुए हैं, इसको proper nourishment, proper protection, proper lubrication, proper support दिया जा सके inside the female reproductive tract. क्योंकि female reproductive tract की जो conditions होती हैं, वो इतनी ज़्यादा highly effective होती है कि sperms की death हो सकती है. इसलिए semen is the one thing that is composed of the secretions of the gland and these secretions are helpful, which are helping the sperms to survive inside the reproductive tract and eventually have helping in the fertilization process. ठीक है? Let us read about these. Seminal vesicle. It is a small मतलब only 5 cm long paired sacular sac like structure which is muscular. Muscular का मतलब कि यहाँ पे muscles हैं इसके पास. Opens in the vas deferens through ejaculatory duct. Seminal vesicle की जो opening है वो vasa deferentia में ejaculatory duct से हो जाती है. Vasa deferentia eventually urinogenital duct से fuse हो जाता है, ये हमें पता है. अब seminal vesicle का काम क्या है? Prostaglandin secrete कर. ठीक है? इस चीज से पहले आपको ये pH of the सीमेन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. पीएच ऑफ द सीमेन इज 7.4. नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन है? प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट स्पर्म्स एंड कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. दीज कॉन्ट्रैक्शन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब एक बार सीमेन है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचने के बाद स्पर्म्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है. ठीक है? Because they have to swim to the egg in the fallopian tubes. उनको रास्ता कौन दिखाता है? उनको रास्ता दिखाता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक खुद, मतलब कि यूटेरस. यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से जो स्पर्म्स हैं वो उसी डायरेक्शन में गाइड होते हैं जिस डायरेक्शन में स्पर्म्स को जाना होता है, जिस डायरेक्शन में एग होता है, जिस डायरेक्शन में ओवा पड़ा होता है हमारा, इन टू द फेलोपियन ट्यूब्स. Now prostate glands का क्या function? Prostate glands are donut shaped glands and they pour their secretion in the urethra through small ducts. इनकी जो secretions हैं वो urethra में directly जा रही हैं, मतलब कि ये भी urinogenital duct में fuse कर रहा है अपने छोटे-छोटे ducts. इनमें bicarbonate ions होते हैं, lipids होते हैं, citric acids होते हैं and ये nourishment sperms को provide करते हैं. Semen होता है, basically it is very nourishing. इसमें स्पर्म्स के साथ साथ और भी नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले मटेरियल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस को फेस करने में हेल्प करते हैं. बाइकार्बोनेट आयंस प्रोवाइड अ बेसिक मीडियम टू सीमेन व्हिच प्रोटेक्ट्स द स्पर्म टू डाई फ्रॉम एसिडिक मीडियम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. देखो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है दैट इज नॉट बेसिकली सो एसिडिक बट स्लाइटली एसिडिक होता है. अगर प्रॉपर
नरिशमेंट ना मिले स्पर्म्स को तो स्पर्म्स कैन डाई। इसीलिए ऐसे होता है कि बहुत सारे केसेस में हमको हमें सुनने को मिलता है कि जिसमें मेल की एज ज्यादा हो चुकी है या फिर इफ द मेल इज मैल न्यूट्रिटेड, वो ज्यादा न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है तो उसको नुकसान हो सकता है कि उसके स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, आइदर दे आर नॉट मोटाइल और आइदर इट्स सीमेन इज नॉट प्रॉपरली नरिश्ड, प्रॉपर नरिशमेंट वाला सीमेन नहीं। अगर प्रॉपर नरिशमेंट वाला सीमेन नहीं होगा तो स्पर्म्स ओवा के पास पहुंचने से पहले ही क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे एंड फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी तो जायगोट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, थस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन टू टेक टू हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन इफ ही वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ स्पर्म्स। Copper's gland. Copper's gland, base of the penis pe present hote hain. They are small paired structures and secretion of copper's gland provide lubrication. It induces the mucus. Mucus isme jo kya provide karta hai? Lubrication provide karta hai. Lubrication ki wajah se friction kya hota hai? Kam ho jata hai. Friction kam hone se again the sperms are able to swim properly inside the female reproductive tract. Let us see this diagram. As you can see this diagram as clearly, okay, these are the bands of corpus cavernosum and here is corpus spongium. This is the ejaculatory duct. Let me clear it again. This is the ejaculatory duct. Ejaculatory duct kya karti hai? Ejaculation of the sperms inside the penis. Ye urinogenital duct ko kari hai. Prostate gland. Prostate gland yahan pe present hai. Ye bhi urinogenital duct ko apne aap approach kar raha hai. This is our urethra. This is the urethral opening. This is the testis. Testes अपनी secretions करके vas deferens के through यहाँ पे urinogenital duct में sperms को पहुंचा देते हैं। ठीक है? So this was all about the male reproductive system. I hope कि आपको हर एक part की अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस part का क्या function है। Now up to our last topic, that is pathway of passage of sperms. First of all, seminiferous tubules में production होनी spermatogenesis जो है sperm production होनी शुरू हो जाती है। वहां से sperms जाते हैं rete testis में। Rete testis से sperms जाते हैं हमारे vasa efferentia में। Then the head of the epididymis से duct of epididymis मतलब tail of the epididymis। वहां से vasa differentia को एपिडिडमस के अंदर फर्दर जो है मैच्योरिटी होती है 18 टू 20 आवर्स तक जो स्पर्म्स हैं वो हेड ऑफ एपिडिडमस में रहते हैं और मैच्योर होते हैं। देन द एम्प्यूला, एम्प्यूला से इजैक्युलेटरी डक्ट, देन अप टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, दैट वॉज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।